मार्केट का पंचनामा में आपका स्वागत है. मैं हूँ सोनम मेहता और मेरे साथ है हेमंत गाय. हाय सोनम. हाय हेमंत. हेमंत, एक तरफा गिरावट, हर एक स्टॉक की बात करें, इंडेक्स की बात करें, हर तरफ लाल दिखाई दे रहा है. सर, सब बहुत खराब हालत है. किस तरह का मार्केट पिक्चर दिखाई दे रहा है इस वक्त? देखिए, बहुत दिक्कत की बात इसलिए है क्योंकि अब कारण जो है वो घरेलू हैं और घरेलू कारणों में सबसे ज्यादा दिक्कत की बात आ गई है कि पॉलिटिकल सिनेरियो बदल रहा है. और हम कुछ दिनों पहले भी यही कह रहे थे कि बाजार सोचेगा कर्नाटक में बीजेपी की सरकार नहीं बनी, बाईपोल इलेक्शंस फेवर में नहीं आए और इसके बाद फिर 2019 में क्या होगा. तो इस सवाल का जवाब बीजेपी नहीं मिल रहा है लोगों को. तो इसलिए एक तो लोग थोड़े थक रहे हैं, डर रहे हैं, और दूसरा कच्चा तेल वाला फैक्टर तो अभी भी सर पे मंडरा ही रहा है. तीसरा सेबी कह रहा है कि अब एफएनओ में ज्यादा आपको मार्जिन का पैसा देना होगा, चाहे उस की सीमा एक महीने के लिए बढ़ा दी गई है, लेकिन कंफ्यूजन बरकरार है. और एक्सचेंजेस ने एएसएम के तहत कई लिक्विड मिड कैप्स को, जहां पर कई लोग पोजीशंस बनाकर बैठे थे, उनको डाल दिया है. आज ज्यादातर शेयरों में 5-5% का लोअर सर्किट लगा था. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिलकर बाजार पर दबाव बना रहे हैं. और अर्निंग्स में इस बार भी कोई बहुत शानदार नतीजे तो आए नहीं है. सेल्स बढ़ी है, मार्जिन्स कमजोर रहे हैं, इसीलिए लोगों का मूड थोड़ा दिक्कवाली की तरफ है. एफआईएस जो सेलर रहा है वो अभी भी है, बिल्कुल है. जो हमें सपोर्ट कर रहा था अब वो जा चुके हैं या फिर वो डर रहे हैं मार्केट में उतरने के लिए. इलेक्शंस ऑलरेडी शायद डिस्काउंट बाजार में होना शुरू हो गया है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इतनी बड़ी विक्ट्री शायद ना हो, या फिर कह सकते हैं टफ होगा बीजेपी को. और इसके साथ ही क्रूड हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, रुपया हमें सपोर्ट इतना ज्यादा नहीं कर रहा है, हर तरह से गिरावट है. तो पॉजिटिव्स क्या है बाजार में? देखिए, बस यही चीज है कि बाजार अब इन सब चीजों को फैक्टर इन कर रहा है. जब ये फैक्टर इन कर लेगा उसके बाद फिर बाजार ओवरसोल्ड होंगे और फिर वहां से बाउंस दिखाएंगे. लेकिन बहुत बड़ा पैसा बनेगा बाजार में, ये सारे जो बड़े टक्कर्स हैं क्लियर जब तक ये नहीं हो जाते तब तक अभी कहना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है. क्योंकि जिस तरह आपसे मिड कैप्स पिट रहे हैं, देखिए मिड कैप्स के ऊपर ही घरेलू फंड ने भी भरोसा किया था और उन फंड से ही कहा गया कि आपको अपने जो पोर्टफोलियो है उसको रीएलोकेट करना होगा. तो ये भी एक समस्या है. और अब वो फंड मैनेजर्स इन शेयरों को खरीदने से पहले थोड़ा सोचेंगे दोबारा से. तो मिड कैप का पेन जब तक खत्म नहीं होता तब तक बाजार में थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकती है. देखिए, हम मिड कैप्स की वजह से देखिए लार्ज कैप्स बेच रहे हैं, अब खबर ये हो गई है. तो अच्छे क्वालिटी के लार्ज कैप्स में भी दबाव देखने को मिल रहा है. तो लगता है कि ये पेन थोड़ा सा इस महीने और रह सकता है. जो लोग सोच रहे थे कि 31 मई तक जो हो गया वो हो गया, जून सीरीज के अभी दो करो कि इसी महीने तक ये रहेगा ना, तो और नहीं दिखाई देगा ना. और होप सो हम भी यही प्रे कर रहे हैं कि हमें मई महीना कमजोर रहा है, अब जून की शुरुआत कमजोर हो चुकी है. तो ये क्वालिटी मिड कैप्स में भी जब प्रेशर देखने को मिल रहा है. अब देखिए मई महीने में मिड कैप्स की क्या जोरदार गिरावट हुई है, कई कई शेयर तो 50-50% तक टूट गए हैं. और जून सीरीज के पहले दो दिन भी देखिए बहुत भारी रहे हैं. मिड कैप से बचना चाहिए, क्वालिटी लार्ज कैप्स में आपको पैसा डालना चाहिए. ये सोचना चाहिए कि ऐसी कौन सी कंपनियां जिनको आप लेकर 10 साल तक रख सकते हैं, जब अगर बाजार बंद भी रहे तो. वो नाम जो आते हैं जहन में, मारुति, M&M, कोल इंडिया, जिनका कारोबार देखिए चलता रहेगा, बाजार होगा नहीं होगा, बाजार अब वैसा सोच रहा है जी. और जुबिलेंट फूड वर्क्स, आज देखिए वही सारे स्टॉक्स दरअसल दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे थे. तो वो मेंटेलिटी रखे अगर आप शेयर खरीदें, यानी इस समय पोर्टफोलियो बनाने का बहुत ही बढ़िया मौका है और उसको नहीं छोड़ना चाहिए. चलो ठीक है, सवाल लेना शुरू करते हैं. बहुत सारे लोगों के पास सवाल है यहाँ पर. सबसे पहला सवाल आ रहा है HDFC बैंक पर ही. भरत भट्ट जी, CNBC आवाज में एकदम सही पड़ा है आज सुबह. अगर आपने हमारे यहाँ देखा होता शो तो आपको डेफिनेटली पता था HDFC बैंक में आपको क्या करना चाहिए. हेमंत, कल के लिए कोई व्यू बन रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए? बिल्कुल, 5% इतने बड़े शेयर में दिन के हाई से गिरने के बाद HDFC बैंक अगर गुस्से कहेंगे, मैं तो कहूंगा बिल्कुल खरीदिए. लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया शेयर है. हालांकि सुबह आप मुझे सुनते तो मेरी राय अलग थी, हमें लग रहा था कि एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन सारा पैसा HDFC बैंक में कल सुबह सुबह खुलते ही मत लगाइए. लेकिन थोड़ी थोड़ी आपको खरीदारी करनी शुरू कर देनी चाहिए. आज बड़ा जो पेन था वो सिस्टम में से निकलता हुआ नजर आया है. तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद HDFC बैंक बहुत बढ़िया शेयर है, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए. आज हम आखिरी सौदे में भी अपने दो एक्सपर्ट से बिल्कुल यही सवाल पूछ रहे थे आपके बिहाफ पर. टेलीपैथी हो गई थी हमें आपके सवाल पूछने वाले, तो हमने आपके बिहाफ पर पूछा और उन्होंने कहा कि खरीद कर रखना चाहिए. लॉन्ग टर्म के लिए HDFC बैंक में कोई दिक्कत की बात नहीं है. टेक्निकल कारणों की वजह से आज नीचे आया था, जो कि हमने आपको सुबह सुबह बिल्कुल सही समय पर बता दिया. बिल्कुल बिल्कुल. चलो, सीहे महेंद्र सिंह जी बता रहे हैं कि M&M और रिलायंस, इन दोनों पे क्या व्यू बन रहा है? सबसे पहले तो M&M बुलिश व्यू बना के चलना चाहिए, गिरावट में खरीदारी की सलाह? 4 digit का हो जाएगा ये स्टॉक, अगर गिरता है किसी कारणवश तो जरूर खरीदना चाहिए. और ये हम पिछले हफ्ते
का के सोमवार को भी आपसे कह रहे थे, और देखिए पिछले हफ्ते 7% की रैली के बावजूद आज अच्छा प्रदर्शन एमएनएम का स्टॉक दिखा रहा था, तो है तो होल्ड करिए, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी खुद की जो कंपनी है यहाँ सीएनबीसी आवाज जो आपका फेवरेट चैनल है उसका स्वामित्व और प्रबंधन दोनों ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, लेकिन जिन ब्रोकरेज हाउसेस को मैं फॉलो करता हूँ वो काफी बुलिश हैं, जिन एक्सपर्ट से हम लोग बात करते हैं वो काफी बुलिश हैं, लेकिन ध्यान रखिए हमारा एक वेस्टेड इंटरेस्ट है आप बोलने में। और ये क्या कहते हैं, एक डिस्क्लेमर मैं आपको जरूर देना चाहूंगा, सीएनबीसी आवाज चैनल दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन करता है, लेकिन मैं एक बार एक निष्पक्ष राय सुबह सुबह मार्केट काउंटडाउन में अपने एक्सपर्ट से लेकर आपको जरूर दूंगा। शुक्रवार को भी मैंने राय ली थी और सारे एक्सपर्ट एक सुर में कह रहे थे कि तेजी होगी, और देखिए आज के दिन भी रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, शुक्रवार को 1% बढ़ा खराब बाजार में, आज 1% बड़ा खराब बाजार में, तो खराब बाजार में ये स्टॉक बाजार को सहारा देने का काम कर रहा है। ओके, पार्थ जी पूछ रहे हैं कि बीएमएल इस शेयर में क्या करना चाहिए। हेमंत, मैंने जस्ट आखिरी सौदा में लिंक किया था, बीएमएल के शेयर पर मैंने चेक किया था 40% करेक्ट हो चुका है इस साल, और इसमें मैक्सिमम करेक्शन में ही आया है, ठीक बात है। लगातार डिसइन्वेस्टमेंट की बात हुई, वो हुआ नहीं है अभी तक, और ना ही वो पिक्चर में है अभी पूरा डिसइन्वेस्टमेंट स्टोरी, तो क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक? निकल जाइए, और ये बात हम 1600 रुपए के लेवल से लगातार बता रहे हैं, जब पहली बार कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने इसके ऊपर आपत्ति जताई कि बीएमएल के विनिवेश के वो पक्ष में नहीं है, और देखिए कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, और जब बाजार को होप हुआ कि शायद ये बदल जाए तस्वीर कर्नाटक के इलेक्शंस के बाद, तो ऐसा कोई तस्वीर तो बदली नहीं है, अभी भी लगता है कि बीएमएल का विनिवेश हो नहीं पाएगा, और इसलिए जो लोग बाकी के फंसे हुए थे वो निकल रहे हैं। आज भी गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही थी, तो सेलोन एवरी रैली का ये स्टॉक है, 850 रुपए से ये रैली शुरू हुई थी, जब 1800-1900 रुपए का लेवल देखने को मिला था, और वही जो पोजीशन थी वो अनवाइंड हो रही है, तो 850 तक वापस जा सकता है ये स्टॉक, वहां से भी नीचे जा सकता है, लेकिन 850 तक की तो जगह यहां पर नजर आती है। और हम ये कहते भी थे कि ये नहीं, अगर सरकार नहीं बनी वहां पर राज्य में बीजेपी की, तो फिर ये शेयर वहीं पर वापस जाएगा, तो हमारी जो स्क्रिप्ट हमने बताई थी वैसी की वैसी तो प्ले हो रही है। पूछ सकती हूं एक सवाल, 835 ऐसा कुछ इस पर ट्रेड कर रहा है, और गिरावट आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, और आज सुबह सुबह भी हमारी राय यही थी, स्टॉक 120 में भी हमने कहा था ये शेयर आपको बेचकर चलना चाहिए, तो बीएमएल बीएल जैसे स्टॉक्स हो सकते हैं, ये शेयर अभी और नीचे मिलने वाले हैं आपको, क्योंकि पीएसयूज में से जो मोदी का प्रीमियम था देखिए वो निकल रहा है, जब 4 साल पहले सरकार आई थी तब सब लोग कह रहे थे कि ये बहुत जोरों शोरों से विनिवेश होगा, लेकिन आप सच माने तो अभी तक कोई एक भी स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल हुआ नहीं है, ये वो पहला स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल था जो होना था, जिसके ऊपर एक अड़ंगा लगा, और देखिए दुर्भाग्यपूर्ण ये नहीं हो पाया, तो वो जो प्रीमियम था वो निकल रहा है, तो जहां जहां बाजार ने ये सोचकर पोजीशंस बनाई थी कि सरकार आराम से विनिवेश करा ले जाएगी, ठीक है। भरत भट्ट जी पूछ रहे बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या व्यू रहेगा, तो नई खबरें आ रही है कि अभी मर्जर होने वाला है 4 बड़े बैंक्स का, इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का भी नाम है, क्या ये हो सकता है पहला सवाल, और दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा पे क्या व्यू बनता है अगर ये मर्जर हो जाता है? ये ना हो तो अच्छा है, और अगर आज हो सकता है ये बाजार ने सोचा, तो आपने देखा शेयर की 3% पिटाई हुई, देखिए मुश्किल में तो हैं वो सारे के सारे बैंक जिनको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत रखा गया है, ये कर्ज नहीं दे सकते, ये केवल और केवल अपने एनपीएस को रिकवर करने में जुटे हुए हैं बैंक्स, और इनको अगर एक ठीक ठाक बैंक के साथ विलय कर दिया गया तो फिर वो ठीक ठाक बैंक की भी दिक्कतें होंगी, और इसीलिए देखिए बाजार दुखी हो गया जैसे ही ये खबर आई। अब ये नहीं पता ये खबरें सच हैं ये या ये खबरें गलत हैं, लेकिन इस तरह की खबरें हम पिछले 1-1.5 साल से सुनते आ रहे हैं, और जब जब ये खबरें आती हैं बाजार इसी तरह का रिएक्शन दे देता है, तो हम इस बार भी मानकर चलें कि ये सिर्फ खबरें हैं, ये हो ना सके, अगर होगा तो फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बड़ा पेन देखने को मिलेगा, तो कोई भी तेजी वाली पोजीशन हो बैंक ऑफ बड़ौदा में तो एक स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। ये सवाल आ रहा है विश्वेश सराफ जी का ग्रेफाइट इंडिया पे, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये लिस्ट में है हमारे ग्रेफाइट और HGG दोनों जो हाल ही में फोकस में आ गया है इस पर्टिकुलर लिस्ट के कारण जो आया है, ये जो PCA प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के लिस्ट में बराबर है, बराबर है ना, एडिशनल सर्विलेंस मैकेनिज्म ASM की लिस्ट की वजह से। तो ये पर्टिकुलर दोनों स्टॉक्स पे क्या तो सर देखिए अब इनको 5% के सर्किट में डाल दिया है एडिशनल सर्विलेंस
इनके ऊपर अब लगेगा, यानी एक्सचेंजेस इनके ऊपर ज्यादा निगरानी रखेंगे और आप पूरा पैसा देकर ही आप ये शेयर खरीद दे, आप अगर पूरी आप क्वांटिटी इसमें रखकर ही आप बेच सकते हैं। सरकार कह रहा हूँ, दरअसल रेगुलेटर्स की इच्छा ये है कि यहाँ पर जो बहुत बड़ी तेजी हो रही थी उसमें लोग फंसे नहीं उस तेजी के बाद, और इसीलिए अब इनके ऊपर ज्यादा सर्विलेंस रखा जाएगा एक्सचेंजेस द्वारा, तो अब इनको चलना यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंपनी कमजोर है, मैं ये नहीं कह रहा कि इन कंपनियों में कोई बहुत बड़ी दिक्कत है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत जोर से दौड़ लगा चुके हैं इसीलिए एक्सचेंजेस ने इस तरह के नियमों के तहत इन शेयरों को रखा गया है। तो जब ये नियमों का वापस से रिवीजन होगा, ध्यान रखिएगा बाई मंथली रिवीजन होता है ये, और ये स्टॉक्स उस रिवीजन में से निकाले जाएंगे तो फिर इनमें तेजी देखने को मिलेगी, तब तक ये कूल ऑफ होंगे। तो सर होने दीजिए कूल ऑफ, और अगली तिथि हम आपको सीएनबीसी आवाज पर जरूर बताएंगे कि कब इनका वापस से रिवीजन होना है, उसके बाद से अगर ये निकल गए तो फिर यहाँ पर एक जबरदस्त तेजी भी देखने को मिलेगी। कई शेयर हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं जिनको दरअसल इस सूची में डाल दिया गया जिसके चलते यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो इस सूची से निकलने के बाद कहते हैं ना जब जेल से छोड़ेंगे तो फिर ये भागेंगे, तो अभी एक सर्किट में डाल दिया है, मैकेनिज्म यहाँ पर ऐसा बना हुआ है कि बहुत ज्यादा लिवरेज पोजीशंस आप ले नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। तो कुछ दिन पेन आपको देखने को मिलेगा, उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। रितेश जैन जी पूछ रहे हैं डेल्टा कॉर्प, इन्होंने 345 के पास बाय किया है, पूछ रहे हैं कि क्या ये सही वक्त है एवरेज करने के लिए? कर सकते हैं एवरेज, लेकिन सारा एवरेज एक साथ मत करिएगा, बढ़िया कंपनी है ये भी, लेकिन क्या है कि ओवरऑल स्टॉक है और यहाँ पर भी काफी तेजी बन चुकी है, और उसके बाद यहाँ साल का नजरिया है तो बहुत ही बढ़िया शेयर है, होल्ड करिए आप। चलिए एक सवाल ले लेते हैं, एनबीसीसी पे बहुत लोगों ने सवाल पूछा था, तो एनबीसीसी इस पे क्या व्यू बन रहा है? ये भी एक और मिड कैप शेयर है जो बुरी तरह पिटा था और इस वक्त लोस पे ट्रेड कर रहा है। तो पीएसयूज में से जो प्रीमियम था जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो निकल रहा है, और एनबीसीसी भी इसी तरह की कंपनी है जहाँ पर एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, स्टॉक ने बहुत तगड़ा आउट परफॉर्मेंस दिया था, कंपनी का कारोबार माहौल बहुत बढ़िया है, इसी तरह के बढ़िया शेयर आपको ओन करने चाहिए। नजरिया थोड़ा लंबा रखना होगा क्योंकि अब पीएसयूज में वो एक तरफा तेजी नहीं देखने को मिलेगी जो पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली थी, लेकिन कारोबार बढ़िया है तो उस लिहाज से कंपनी हमें तो लगातार पसंद आती रही है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इस शेयर ने 52 हफ्तों के निचले स्तर लगाने शुरू कर दिए हैं, तो एक बार इसको सेटल होने दीजिए, अभी एवरेज मत करिए, हो सकता है आपको नीचे में और अच्छे लेवल्स मिले एवरेजिंग करने के, खरीदनी तो है ये कंपनी लेकिन भाव थोड़ा और नीचे मिल सकता है तो उसकी तैयारी रखेंगे। ओके, एक आखिरी सवाल हेमंत, कल के लिए क्या रणनीति रहनी चाहिए, कुछ खास चीजें जिस पे फोकस रहना चाहिए? मिड कैप्स के ऊपर ही नजर होनी चाहिए, लगता है कि ये पेन अभी थोड़ा और दिन रह सकता है, ये जिस तरह से एडिशनल सर्विलेंस मैकेनिज्म कई स्टॉक्स पे लगाया गया है बीएससी और एनएससी द्वारा, लगता है कि इन स्टॉक्स में थोड़ी और गिरावट देखने को मिलेगी, और मिड कैप्स का जब तक पेन सुधरेगा नहीं तब तक लार्ज कैप्स में तेजी नहीं आएगी, तो बहुत कूद कर खरीदारी मत करिए, पोर्टफोलियो के लिहाज से खरीदारी करिए, ट्रेडिंग में थोड़ा सा आपको शॉर्ट साइड पर ध्यान इस समय रखना चाहिए, लगता है कि बाजार में थोड़ी और कमजोरी देखने को मिल सकती है, मूड और सेंटीमेंट बिगड़ गया, बिगड़ गया। और हम शुक्रवार को भी कह रहे थे बड़े सालों से ऐसा कमजोर बाजार हमने देखा नहीं है, क्योंकि मिड कैप का जो पेन है वो बहुत बड़ा पेन है, कई कई फंड्स जो बहुत सालों तक आउट परफॉर्म कर रहे थे, बहुत ही जाने माने फंड बताए जाते थे, वहां पर भी देखिए अब गिरावट देखने को मिल रही है, बस ऐसा ना हो कहीं जो फंड्स में पैसा लोग लगा रहे हैं वो एसआईपी ना रोके, देखिए वो रुकेगी तो फिर कहते हैं अगर आप लिक्विडिटी का नलका बंद कर दें तो क्या दिक्कत हो सकती है, वो हो सकती है। म्यूचुअल फंड्स के लिए तो यही कहा जाता है कि जितनी मार्केट गिरे उतना ज्यादा एसआईपी आप लगाइए उस वक्त पे, एग्जैक्टली बिल्कुल हटिए मत उसमें से, बिल्कुल तो वो ध्यान रखना। लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करेंगे तो सेफ रहेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मिड कैप से थोड़ा सा इस समय आपको परहेज करना चाहिए, स्मॉल कैप्स को छूना नहीं चाहिए, यह है क्लियर कट इन शॉर्ट। तो संभाल के चलिए कुछ वक्त के लिए, और पैसे कमाने के लिए सीएनबीसी तो है ही, बिल्कुल है ही, कल सुबह फिर से